आज हम लोग चना चना के व्यंजन पर कुछ बात करेंगे। ये जो व्यंजन है ये कचरी का हलवा बोलते हैं, यानी हरे चने का हलवा। चना जो अभी पूर्णतया पका नहीं है, हरा चना होता है, उसे हम लोग भोजपुरी क्षेत्र में कचरी भी बोलते हैं, कचरी का हलवा। तो वो तैयार है, मेरे हाथ में है, इसका मैं स्वाद लूंगा और आपको बताऊंगा भी। चने के बारे में भी एक कहावत है, जो हम इतिहास में चलते हैं, कि शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया तो पूछा कि कोई दो चीज आप बोलिए, एक तो खाने के लिए कोई एक अन्न मांग लीजिए और काम करने के लिए कोई एक व्यवसाय चुन लीजिए। तो शाहजहां ने कहा कि भाई खाने के लिए एक चना दे दो, और व्यवसाय के रूप में उसने बच्चों को पढ़ाने का मांग लिया कि हमको पढ़ाने का काम मिल जाए। तो इसलिए पता चलता है कि चना कितना महत्वपूर्ण व्यंजन है, चना कितना महत्वपूर्ण अन्न है, और उससे कई तरह के व्यंजन बन सकते हैं। तो आज उसी चने से हलवा, जिसका आप बेसन का हलवा बहुत बार खाए होंगे, वो चने से बनता है। हम जो अभी हलवा बना रहे हैं, खा रहे हैं, ये कचरी से बनता है, हरे चने से बनता है। जो चना अभी पका नहीं है उससे बनता है। ये तैयार है मेरे हाथ में, मैं इसका, हम लोग तो कई बार इसको खा चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्वाद है इसका। इतना बढ़िया है कि अगर आप इसे खा लें तो कुछ दिनों तक या कुछ समय तक और कुछ भी आपको खाने की इच्छा होगी नहीं। आप चाहेंगे कि इसका स्वाद देर तक आपके जिह्वा पर, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में तारी रहे, और रहेगा भी, इसकी गारंटी है। दरअसल जब चना अभी हरा होता है तभी उसमें से उसकी फली निकाल लेते हैं। और उसको बढ़िया से पीस लेते हैं, या मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टे पर पीस लें। उसमें एक सावधानी ये बरतनी होती है कि पूरा उसका जो छिलका है वो अच्छे से निकल जाए। और तब उसका पेस्ट बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इसके बनाने के लिए कई चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं, उसको हम आगे बताएंगे। पहले ये जान लें कि अभी जो मैं हलवा तैयार खा रहा हूँ ये अद्भुत स्वादिष्ट है, और आप जब बना लेंगे तब इसका स्वाद लेंगे, तब पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सच है। जब तक चना हरा है, कचरी है, तभी उसे निकालें, छिलका उसका उतार लें, बढ़िया से उसका पेस्ट बना लें, उसको पीस लें, और उसके बाद उसको कड़ाही में घी के साथ भूने कुछ देर तक। दरअसल ये बिना छिलका उतारे भी बना सकते हैं उसका, लेकिन तब वो थोड़ा खुरदुरा अधिक होगा और उसमें चिकनाई थोड़ी कम होगी। तो जैसा आपको लगे, आपके स्वाद में जैसा है, आप उसको बना सकते हैं। बनाने की विधि वही है, सिर्फ आपके ऊपर है, आप छिलका उतारें या न उतारें। शुद्ध घी में बनाएंगे तो उसका स्वाद और निखर के आता है, और खुल के आता है, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको खाने में। वैसे वनस्पति घी, रिफाइन, जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो हो सकता है, लेकिन शुद्ध घी तो ऐसे भी स्वाद उसका है। और कोई भी व्यंजन अगर शुद्ध घी में बनाए तो स्वाभाविक रूप से अच्छा बनता है, और ये भी अच्छा बनेगा। कड़ाही में घी बढ़िया से डाल लें, उसको गर्म कर लें, फिर ये जो आपने गाढ़ा पेस्ट बनाया है इसको उसमें डालें, उसको भूनते रहें। और तब तक उसे भूनते रहें, चलाते रहें, जब तक वो कढ़ाई को छोड़ने न लगे या घी उसके चारों तरफ अच्छे से आ न जाए, तब तक उसे भूनते रहें।
दरअसल इसकी खासियत यह भी है कि जितना अच्छे से इसको भुना जाएगा इसका स्वाद उतना ही निखर के आता है। तो ये इसकी सबसे खासियत है कि इसको भुनना है धीरे धीरे, ऐसे चलाएं कि वो सटे नहीं कढ़ाई में, जा कहीं लग न जाए अगल बगल, और बढ़िया से उसका टेस्ट आएगा। लगभग आधे घंटे तक इसको भुना जाए, तब शायद लगता है कि उसमें बढ़िया से भून लेंगे। इसके बाद इसमें चीनी डालनी होती है। बढ़िया से जब भून लें, तैयार कर लें, तो उसमें चीनी डालें, धीरे धीरे उसको भी निकालें। चीनी आप चीनी का घोल भी बना के डाल सकते हैं या सीधे चीनी भी डाल सकते हैं, जैसा आप जान लें कैसे उसको बनाना है। ये सब आपकी इच्छा और आपके स्वाद के ऊपर है कि कैसा आप उसको बनाना चाहते हैं। जब अच्छी तरह तैयार हो जाए, भून लिया जाए उसे, चीनी भी उसमें डाल दें, तो उसमें एक और चीज़ बाद में आप देखें कि लगातार जब उसका पेस्ट बनता है उसको मिलाते रहें तो इतना ना हो जाए कि वो सूख जाए। पानी आप उसको अपने हिसाब से मिलाएं। ये जरूर ध्यान में रखें कि इसे एकदम सूखा भुरभुरा नहीं करना है, हलवा का जो जैसा बनाते हैं। इसके बाद इसमें जब ये तैयार हो जाता है, गड़ी किशमिश और जो चीज़ें आप चाहते हैं, इलायची वगैरह जो भी, या तो उसको उसी समय बना लें, पिस्ता हो, बादाम हो, ये सारी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ें डालेंगे स्वाद उसका अच्छा ही आएगा। तो आप ही के ऊपर है, आप उसको डाल सकते हैं, या तो आप हलवा बनाते समय ही डाल दें, या इसको कढ़ाई में से निकाल लें और उसको जब आप परोस रहे हैं, जब आप दे रहे हैं, उस समय भी ऊपर से डाल सकते हैं। अब ये तैयार है, आप इसे बहुत दिनों तक रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन बहुत दिनों तक रख देने के बाद भी जब आपको खाना होगा तो इसे गर्म करके और तब परोसे, गर्म करने के बाद इसका स्वाद और निखर के आता है। तो ये रही इसको बनाने की विधि, और आप भी बनाइए। मैं तो इसका स्वाद अभी ले रहा हूँ, और आप बनाइए। बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा और अच्छी चीज़ें बनने में थोड़ा समय तो लेती हैं, तो आप बनाइए, इसका स्वाद लीजिए, और तब आपको भी पता चलेगा कि इसका स्वाद कितना महत्वपूर्ण है, और आप भी चाहेंगे कि ये स्वाद आपके जीवा पर, आपके जीवन में, आपकी स्मृतियों में स्थायी रूप से दर्ज हो जाए।